हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम एक और नया कंसेप्ट जानेंगे कि ईमेल क्या होता है। ठीक है, ईमेल की जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो इस वीडियो में जानेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। लेक्चर नंबर 18 है हमारा ये, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, शॉर्ट में हम इसको ईमेल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, या इसको ईमेल इज इन्फॉर्म्ड। इसमें होता है क्या है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर ओवर टैली कम्युनिकेशन। टैली कम्युनिकेशन जब होता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टैली कम्युनिकेशन के ऊपर जो दो यूजर्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दो यूजर्स के बीच में टैली कम्युनिकेशन के ऊपर, इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, कि दो यूजर के बीच में एक्सचेंज करा जाता है इस इंफॉर्मेशन को, उसे हम कहते हैं ईमेल। मोर प्लेनली अगर हम बोलें कि ईमेल जो है एक ऐसा मैसेज है जिसमें या हम टेक्स्ट होता है, या हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, या हम फाइल्स भेज सकते हैं, या हम इमेजेस भेज सकते हैं, या कोई अटैचमेंट हम इसमें भेज सकते हैं एक नेटवर्क के ज़रिए किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम ये भेज सकते हैं। तो सबसे पहले ईमेल किसने सेंड की थी, उस महाशय का नाम था रे टॉम लिंसन इन 1971। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ईमेल किसने सेंड की थी, तो क्या उनका नाम है रे टॉम लिंसन इन 1971। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अब ईमेल को भेजने के फायदे क्या क्या हैं, तो क्या सबसे पहले फ्री डिलीवरी होती है, डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, अगर आप ईमेल भेजते हैं तो ये वर्चुअली फ्री होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें इंटरनेट सर्विसेज की जो कास्ट लगती है वही लगती है जो हम इंटरनेट रिचार्ज करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई भी दूसरी, इसके अलावा कोई भी दूसरी कास्ट नहीं लगती है। यहाँ पे हमें कोई पोस्टेज स्टैम्प खरीदने की ज़रूरत नहीं है किसी लेटर को भेजने के लिए। इसके बाद ग्लोबली इसकी हम डिलीवरी कर सकते हैं, कहीं भी हम इस मैसेज को भेज सकते हैं। ठीक है, या वर्ल्ड में या किसी भी कंट्री में आप इसको भेज सकते हो। इंस्टेंट डिलीवरी है, जब भी आपने भेजा तभी अगले बंदे के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। इसके बाद अगली इसकी जो एडवांटेज है, इसमें हम फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक ईमेल में एक या एक से ज़्यादा फाइल्स भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, और ये ईमेल अलाउ करती है किसी पर्सन को वो डॉक्यूमेंट भेजे, पिक्चर्स भेजे, या कोई फाइल भेजे, एक ईमेल में वो भेज सकता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज इसकी लंबे समय तक रहती है। ठीक है, ईमेल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली ये स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, जो अलाउ करता है स्टोरेज को, आर्काइवल और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने, मान लीजिए आज मैंने कोई ईमेल भेजी, तो ये मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास रहने वाली है और रहती भी है। उसके बाद इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सेंडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सेंडिंग है। यहाँ पर आप भेजोगे तो ना ही आपका पेपर यूज़ होने वाला है, ना ही आपका कोई कार्डबोर्ड यूज़ होने वाला है, ना ही आपका कोई पैकिंग टेप यहाँ पर यूज़ होने वाली है। पेपर लेस बिल्कुल यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ना ही आप पेपर यूज़ कर रहे हैं, ना ही कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ना ही आप कोई पैकिंग टेप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आप यहाँ पर बचा रहे हैं, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी ये होती है ईमेल। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हैं। हाँ, तो गाइस, जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ रिलेटेड है ईमेल के साथ, वो कौन सी है। सबसे पहले सीसी आपको पूछ सकते हैं कि बताओ भाई ये किसके साथ टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है। तो गाइस, सीसी का शॉर्ट में कहते हैं इसे कार्बन कॉपी। ठीक है, एक ऐसी कॉपी है किसी ईमेल मैसेज की जो किसी जो रेसिपिएंट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको भेजी तो मैं सेंडर हूँ, ठीक है, और आपको ये पहुँची तो आप रेसिपिएंट हैं। ठीक है, जिसको ये ईमेल जो है आपके मैसेज के हेडर में ऊपर आपको आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कोई मैसेज आता है ना, ऊपर से हमें दिखाई देता है कि हाँ वन मैसेज रिसीव। ठीक है, उसी तरह ये आपको वहाँ पे पहुँच, जैसे कहते हैं कार्बन कॉपी। उसके बाद ईमेल एड्रेस क्या होता है, गाइस ईमेल एड्रेस एक ऐसा नाम होता है जिस पे आपको वो भेजनी होती है, वो सिंपली ईमेल एड्रेस है। मान लीजिए अगर आपको मेरे जो वो, जैसे कि मान लीजिए कोई मेरा जो एड्रेस है, मान लीजिए कि rohit@gmail.com yahoomail.com। ठीक है, कोई भी मेल है मेरी, अगर आप उस पर भेजते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं गाइस ईमेल एड्रेस। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि ईमेल की बॉडी क्या होती है। तो गाइस ईमेल बॉडी एक मैन पार्ट होता है किसी ईमेल, आपको लिखना क्या है उसके अंदर, ठीक है? आपने उसको उसमें लिखना क्या है कि किस चीज़ के बारे में आपके फाइल भेज रहे हैं, इन फाइल्स के अंदर क्या है, जो भी आपको लिखना होता है आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल क्लाइंट, ठीक है? ईमेल क्लाइंट क्या होता है? ईमेल क्लाइंट एक ऐसा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर पे या मोबाइल डिवाइस पे, जिससे हम क्या करते हैं, यूज टू रीड एंड सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, जिससे हम रीड कर सकते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज क्या बोलते हैं इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है गाइज? उसे हम कहते हैं ईमेल क्लाइंट। उसके बाद है हमारे पास IMAP सर्वर। तो अब IMAP सर्वर होता क्या है? तो गाइज IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो IMAP सर्वर होता है क्या है? IMAP सर्वर जो है अलाउ करता है ईमेल प्रोग्राम को कि एक्सेस, जिसे ना सिर्फ जो नए मैसेज हैं उनको एक्सेस करे, बल्कि जो फोल्डर हैं हमारे सर्वर में उनको भी एक्सेस करे, ठीक है? एक्शंस जो होते हैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज किए जाते हैं किसके बीच में, बहुत सारे ईमेल प्रोग्राम होते हैं और एम कनेक्टेड थ्रू IMAP के जरिए, मतलब मल्टीपल ईमेल प्रोग्राम्स को क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है और उनको एक्सेस किया जाता है। अब ये IMAP होता क्या है, ठीक है? ये एक प्रोटोकॉल होता है, शॉर्ट फॉर इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट का स्टैंडर्ड है, इंटरनेट स्टैंडर्ड, जो डिस्क्राइब करता है किसी प्रोटोकॉल को फॉर रिट्राइविंग मेल फ्रॉम एंड ईमेल, जिससे कि हमारी ईमेल से हमारी मेल को रिट्राइव करता है, यानी कि उसको हम अगर हमें जब ढूंढते हैं तो हमें वो मेल मिल जाती है। तो किसके जरिए मिलती है? वो IMAP के जरिए। अब IMAP का सर्वर हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये है हमारे पास मेल टू, ठीक है? ये गाइज अलग है, मेल टू, ठीक है? मेल टू क्या है? एक HTML टैग होता है दैट अलाउज विजिटर टू ए सेट टू ए साइट, ठीक है? विजिटर जो है कि साइट पे आते हैं, क्लिक करते हैं किसी लिंक पे, जो एक नया मैसेज यहाँ पे क्रिएट करता है उनका जो डिफ़ॉल्ट ईमेल प्रोग्राम होता है उसमें। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जो मेल टू होता है ना, एक HTML टैग होता है, जैसे कि हम भी कोई, हमारे पास कोई लिंक आ जाता है, उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं ना, किस साइट पे हम पहुँच जाते हैं, बस वैसे ही मेल टू भी एक लिंक होता है जिससे हम किसी डिफ़ॉल्टली किसी ईमेल प्रोग्राम पे पहुँच जाते हैं, ठीक है? इट इज़ पॉसिबल टू सेट नॉट ओनली डिफ़ॉल्ट ईमेल रिसिपिएंट। अब ये सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल होता है, यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है कि आप यहाँ पे ना सिर्फ ईमेल डिफ़ॉल्ट ईमेल रेसिपिएंट को सेट कर सकते हैं, बल्कि आप डिफॉल्ट सब्जेक्ट एंड मैसेज बॉडी कंटेंट को भी, जो मैसेज की, मैसेज का जो बॉडी कंटेंट है उसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद पिशिंग क्या होता है गाइज, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पिशिंग शायद आपको अभी भी याद होगा, जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने वायरस एंटीवायरस के बारे में पढ़ा था, उस वक्त जो वेब बेस्ड अटैक्स पढ़ाए थे वहाँ पे आपको पिशिंग पढ़ाए थे मैंने। आई होप कि आपको ये पता होगा पिशिंग क्या होता है। तो फिशिंग एक फ्रॉड होता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है, प्राइवेट डेटा को कैप्चर किया जाता है, हमारी जो जो वेबसाइट होती है उनके ऊपर प्राइवेट डेटा को कैप्चर करा जाता है, ठीक है? या किसी ईमेल के जरिए इस ईमेल को डिज़ाइन किया जाता है, वो ट्रस्टेड थर्ड लुक लाइक अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, हमें दिखती है कि ये थर्ड पार्टी जो ट्रस्टेड है हमारे ऊपर। टिपिकली फिशिंग जो होता है, ठीक है, फ्रॉम पासवर्ड फिशिंग, ठीक है? फिशिंग जो होता है ये पासवर्ड फिशिंग से बनाया गया है इसको, ठीक है? अब स्कैम होता है, जिसमें क्या होता है, ईमेल अलर्टिंग द यूज़र टू ए प्रॉब्लम विद देयर बैंक और अनदर अकाउंट। अब जो ईमेल जो होती है वो किसी दूसरे, अगर आपके जो बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है वहाँ से आपकी सारी जानकारी चुरा लेता है, ठीक है? तो POP क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है क्या है, एक ऐसा इंटरनेट का स्टैंडर्ड होता है जो डिफाइन करता है ईमेल सर्विस को, ठीक है? और एक ऐसा वे है जिससे हम मेल को रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसके कंट्रास्ट में देखें, IMAP जो इंटरनेट मैसेजिंग क्या है, अभी मैंने आपसे पीछे कहा था कि IMAP जो होता है ये होता क्या है, हमने अभी यहाँ पर देखिए देखा था इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है? उसके कंट्रेस्ट में अगर देखें, जो हमारा POP है, नॉट ओनली लेट्स द ईमेल क्लाइंट डाउनलोड रिसेंट मैसेजेस, ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो रिसेंट मैसेजेस को ही यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? टू बी मैनेज इन द प्रोग्राम एंड अंदर डिवाइस, ठीक है? वो किसी प्रोग्राम के ऊपर भी इसको मैनेज कर सकता है और किसी डिवाइस के ऊपर भी इसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद स्पैम क्या होता है, स्पैम एक अनसोलिसाइटेड, ठीक है, अनसोलिसाइटेड एक ऐसी ईमेल होती है, जिस नॉट ऑल अनसोलिसाइटेड ईमेल स्पैम, कोई भी सारी अनसोलिसाइटेड ईमेल स्पैम नहीं होती है, जबकि मोस्ट स्पैम इज अ सेंट इन बल्क टू अ लार्ज नंबर ऑफ ईमेल एड्रेस, बहुत सारे स्पैम जो होते हैं वो भेजे जाते हैं, ठीक है?
बहुत सारे ईमेल एड्रेस पे, और वहाँ पे अपना अपना एडवर्टाइज करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं कंसिडर लेस ऑफन पॉलिटिकली व्यू पॉइंट, कुछ पॉलिटिकली व्यू पॉइंट से भेजते हैं, जो हमें चीज़ नहीं होती है उसे हम स्पैम कर देते हैं, ब्लॉक वगैरह कर देते हैं, स्पैम आता है। ठीक है, अब स्पैमर क्या होता है? स्पैमर एक ऐसा पर्सन होता है या एक ऐसी एंटिटी होती है जैसे कंपनी हो गई, जो किसी की ईमेल को भी स्पैम कर सकती है, उसके बाद उसकी ईमेल उसके पास नहीं आती है। ठीक है, वो ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद टू, हमारे पास द टू लाइन ऑफ एन ईमेल कंटेंट दिस प्राइमरी रेसिपिएंट आर रेसिपियंट्स। ठीक है, टू जो होता है ये क्या होती है, द टू लाइन एक ईमेल की एक टू ऐसी लाइन होती है जिसमें ईमेल होती है, इसका प्राइमरी रेसिपियंट कौन है। ठीक है, या एक रेसिपियंट है, ज़्यादा रेसिपियंट है, उनके लिए हम किस किस को, यानी कि किस किस को आपने ये ईमेल भेजनी है। ठीक है, ऑल रेसिपियंट इन द टू लाइन इज विजिबल, सारे वो रिजिबल रहते हैं, एंड ऑल अदर रेसिपियंट पॉसिबली बाई डिफॉल्ट। ठीक है, वो आधे जो होते हैं बाई डिफॉल्ट उसमें सेट किए होते हैं कि ये ईमेल किस किस को जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि जो कंपनी कभी कभी आपको ईमेल भेज देती है, या आपने किसी का चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, तो आपने या कोई सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको मेल आती है कि हाँ भाई इसने की वीडियो अपलोड किया या कोई वेबिनार कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली ही पहुँच जाती हैं, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सेट होता है। उसके बाद होता है गाइस हमारे पास एक यूनिकोड। अब यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड एक ऐसा वे है जिसमें क्या जो क्या रिप्रेजेंट करता है, करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे कंप्यूटर पर और डिवाइसेज पे। ठीक है, विद सपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड राइटिंग सिस्टम। ठीक है, जो सपोर्ट करता है वर्ल्ड के राइटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग अफ्रीकन, अरेबिक, एशियन एंड वेस्टर्न को सपोर्ट करता है। उसके बाद सब्जेक्ट होता क्या है, हैं? अब सब्जेक्ट यहाँ पर होता है क्या है, सब्जेक्ट जो होता है किसी ईमेल मैसेज का, वो एक शॉर्ट समरी होनी चाहिए इसके कंटेंट्स की। ईमेल प्रोग्राम जो है यूजुअली ये डिस्प्ले कहाँ होते हैं, डिस्प्ले इट इन अ मेल बॉक्स डिस्प्ले टुगेदर विद द सेंडर। ठीक है, इसको सेंडर के साथ वो मेल बॉक्स को यहाँ पर डिस्प्ले करता है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं आगे एक और चीज़ है हमारे पास, वो है थ्रेड जैकिंग। तो गाइस थ्रेड जैकिंग क्या होती है, इसको हम थ्रेड वैकिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ से ये होता है क्या, स्टेयर ऑफ द ओरिजिनल टॉपिक इन एन ईमेल थ्रेड स्पेशली ऑन अ मेलिंग लिस्ट। ठीक है, थ्रेड जैकिंग जो होता है ये अप्लाई हो सकता है दूसरी कन्वर्सेशन में भी, जो इंटरनेट पर बाकी कन्वर्सेशन होती हैं उन पे भी ये अप्लाई हो सकता है। ऑफकोर्स से ऑन मैसेज बोर्ड्स, जो मैसेज की बोर्ड्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, उन पे भी हम थ्रेड जैकिंग लगा सकते हैं। वेदर द थ्रेड जैकर चेंज द सब्जेक्ट लाइन, अगर जो थ्रेड जैकर जो होता है उसने अपने सब्जेक्ट लाइन के किसको उसका टॉपिक क्या है, ठीक है, अगर वो उसने लाइन चेंज कर दो, रिफ्लेक्ट द चेंज इन सब्जेक्ट और रिटेन्स द ओरिजिनल ईमेल सब्जेक्ट टू टेक ओवर द थ्रेड कैन बी रिगार्डेड थ्रेड जैकिंग इन तरीके से। गाइज आपको इतना याद रखना है कि थ्रेड जैकिंग जो है किसके साथ ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, तो गाइज जुड़ा हुआ है ईमेल के साथ। ठीक है, उसके बाद वॉर्म होता है, वॉर्म के बारे में भी आपको पढ़ा चुका था। वॉर्म इज अ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट जो एप्लीकेट करती है अपने आप को एंड मूव थ्रू अ नेटवर्क, और ये एक नेटवर्क के जरिए चलती है, टिपिकली ट्रैवलिंग बाय सेंडिंग न्यू कॉपीज ऑफ इटसेल्फ वाया ईमेल। ये अपनी जो कॉपी जो है, मतलब कि जो मेल जो है उसके जरिए दूसरे बंदे के पास पहुंच जाती है। मैनी वॉर्म्स हैव नो नेगेटिव इफेक्ट, बहुत सारे वॉर्म का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता एक्सेप्ट रिसोर्स कंजम्पशन। ठीक है, इससे खाली आपका जो रिसोर्स उसको कंज्यूम करती हैं, बट सम विल परफॉर्म मैलिशियस एक्शन। तो कुछ वॉर्म जो होते हैं जो हमने वायरस के दौरान पढ़ा था, तो उसका क्या होता है, वो मैलिशियस एक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं आगे, हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ जो हमारा टॉपिक था ईमेल। ठीक है, ईमेल के बारे में जो हमने इम्पॉर्टेंट जो से टर्म जुड़ी हुई हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। तो गाइज अगला लेक्चर हमारा होगा जो इम्पॉर्टेंट टर्म नहीं सॉरी एमएस एक्सेस, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का टॉपिक बचा हुआ था, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाने वाला हूँ। उसके बाद फिर हमारे दो टॉपिक और बचते हैं, वो है हमारा ये क्या कहते हैं इसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड एब्रीवेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं दो लेक्चर में ख़त्म करूंगा, उसके बाद एब्रीवेशन को भी मैं ख़त्म करूंगा, तो तीन चार लेक्चर में आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा गाइज। ठीक है, इसका थी लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।